नंबर एक, जीरो वांट्स वीक, एक ऐसा हफ्ता जहां आप अपनी जरूरतों के बियॉन्ड कुछ भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो हाँ, जरूरतें तो जरूरी हैं, तो आपका रेंट हो गया, आपका ईएमआई हो गया, आपके खाने का खर्चा हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपके ट्रैवल का खर्चा हो गया, शायद कुछ बेसिक कपड़ों का भी खर्चा हो गया, लेकिन उस पूरे हफ्ते बाहर खाना खाना नहीं है, बाहर पार्टी नहीं करनी, कोई फोन नहीं खरीदना, कोई रैंडम इक्विपमेंट नहीं खरीदना है, कोई गैजेट नहीं खरीदना है, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, कुछ भी ऐसा जो आपकी इच्छाओं की तरफ हो उस पे एक लगाम डाल दिया। वन वीक, जीरो वांट्स स्पेंडिंग वीक। नंबर दो, डबल योर सेविंग्स चैलेंज। बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। जितना भी आप महीने में बचाते हैं, आपकी जरूरतें खर्च हो गई, आपकी इच्छाओं पे भी पैसा चला गया, तो आपका कुछ सेविंग तो बचता ही होगा, होपफुली बचता होगा। नहीं बचता होगा तो फिर तो बहुत अलग अलग वीडियो देखने पड़ेंगे, जो पुराने वाले थे ना, वो 3 साल पहले वाले, कि कैसे सेव करते हैं, 50-30-20 रूल, वो वाला। लेकिन अगर आप समझदार हैं, वीडियोस का फॉलो करते आए हैं, तो जो भी सेविंग है आपका, अब चैलेंज है कि अगले महीने उस सेविंग को डबल करना है। एंड द क्वेश्चन इज नॉट कि यार अपना पेट काट के वो एकदम बिल्कुल भूखा नंगा गरीबों जैसे, ना, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट। तो कौन सी चीजें हैं जो आप फिर से अपने इच्छाओं में देखेंगे और बोलेंगे यार ये शायद अगले महीने के लिए पोस्टपोन हो सकता है, कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी जरूरतों में देखेंगे और बोलेंगे यार ये तो जरूरत कम हो सकती है, या कि जरूरत तो शायद थी नहीं, मैंने जबरदस्ती जरूरत में डाल दिया है। एनीथिंग दैट विल मेक यू स्मार्टर। सारे सब्सक्रिप्शन जो आपके फालतू में चले जा रहे हैं, या कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है जो आप अब बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, या कोई ऐसी जरूरत जो आपको लगती थी जरूरत है लेकिन वाकई में नहीं थी, कोई ऐसी इच्छा जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि फोमो है, व्हाटएवर द केस में भी आपका टारगेट है कि अगले महीने अपने पिछले महीने की सेविंग को डबल करना है। नंबर तीन, इन्वेस्टमेंट किकस्टार्ट चैलेंज। ये उन लोगों के लिए जो आज तक कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि अगले महीने कर लेंगे, जब पैसे आएंगे तब कर लेंगे, जब कोई डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तब कर लेंगे, जब कोई एक नया वीडियो आएगा और हम हिल जाएंगे तब कर लेंगे, जब कोई भगवान ना करे कुछ हो जाए तब कर लेंगे, ना, आज करना है। तो इन्वेस्टमेंट किकस्टार्ट चैलेंज कि आप अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। एक कैवियट, एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एफडी नहीं करा सकते। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए, एक एसआईपी शुरू कर दीजिए, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लीजिए, ईपीएफ में डाल दीजिए, पीपीएफ में डाल दीजिए, एनपीएस में डाल दीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डाल दीजिए, डिजिटल गोल्ड तक खरीदने के लिए मैं आपको इजाजत दे दूं, आप रियल एस्टेट मतलब REITs में भी इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन इन्वेस्ट तो करना दोस्त। अगर आज तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो पहली इन्वेस्टमेंट आज तो शुरू करनी पड़ेगी। ये आदत अगर 2023 से पहले पहले डल गई तो 2024 के आते आते सोच रहे हैं कि जिंदगी कितनी अलग होगी, कितनी अच्छी होने वाली होगी। दैट इज वाई दिस चैलेंज। नंबर चार, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन चैलेंज। बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, बहुत एम्पथी जनरेट होती है। जिंदगी में वाकई में करोड़ों लोग कैसे जिंदगी जीते हैं उसका एहसास होता है। भारत की पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन पता क्या है? 1300 रुपये महीना, 1300 रुपये महीना। ये अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूँ, रूरल इंडिया तो 1000 रुपये, 1050 रुपये या कुछ महीना है। तो 1300 रुपये महीना लेते, 1300 रुपये महीना डिवाइडेड बाई 30 तो मोटा मोटा 40 रुपये, 42 ले लेते हैं। आपको एक दिन 42 रुपीज के अंदर अंदर अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। इसका मतलब सिर्फ वही खर्चा नहीं जो आप एक्चुअली देखते हैं, जो कि ट्रैवल का हो गया या खाने का हो गया या कुछ और, पर वो सारे हिडन खर्चे भी जो आप महसूस नहीं कर पाते, बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, केबल टेलीविजन का खर्चा, OTT का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, ये सारा भी अलाउड नहीं होगा। अलाउड होगा अगर 42 के अंदर अंदर आ रहे, एक दिन आपको ने पूरी की पूरी जिंदगी 40 रुपए के अंदर अंदर जीनी होगी। एंड जब आप करेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आप जितना भी अपने आप को, अपनी जिंदगी को कोसते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुश्किल कितनी जिंदगी है, ट्रैफिक कितना है, गर्मी कितनी है, खाना क्यों अच्छा नहीं है, सीट क्यों 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 कर रही है, ऑफिस का AC क्यों इतना ठंडा है, You are sitting around privilege, which will make you be very, very grateful for what you have. And that is the essence of this challenge. Number 5, my favorite challenge, the barter challenge. एक ऐसा दिन
जहां आप कोई भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी थम जाएंगी ना, तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो ऑटो लेना हो या खाना खाना हो, आप वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, बार्टर के थ्रू करेंगे। तो लोगों को कुछ देकर उनसे कुछ लेने की कोशिश करेंगे, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज दिस विल टेल यू हाउ द ओरिजिनेशन ऑफ मनी केम इनटू बीइंग। पैसे की पैदाइश इसी से हुई थी, जहां कोई बोलता था यार ये ले आलू दे दे मुझे अंडे, या ये ले प्याज दे दे मुझे टमाटर, एंड दैट देन नेसेसिटेटेड द नीड फॉर मनी। क्या हम कितने आलू लेके एक दूसरे के पास घूमते रहेंगे, कितने प्याज लेके एक दूसरे के पास घूमते रहेंगे? तो कागज के पन्नों पे लिख देते हैं कि इस इंसान के पास 50 आलू हैं, और वो कागज का पन्ना किसे दे दे, एंड उससे भी ये कागज का पन्ना ले ले कि मेरे पास 50 प्याज हैं, एंड दैट वाज हाउ मनी केम इनटू बीइंग। उसी एक्सपीरियंस को फिर से जीने के लिए वन डे चैलेंज, द बार्टर चैलेंज। नंबर 6, फाइनेंशियल डिटॉक्स चैलेंज। इस चैलेंज का मकसद है आपको पैसे की अहमियत से वाकिफ कराना। तो एक दिन जहां आप एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, I'll say this once more, एक दिन जहां आप एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, How will you even live that day? वही तो प्लानिंग है दोस्त। तो आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीजें खरीदें जिसके लिए आपने पहले पेमेंट कर दी हो, प्लानिंग चलेगी, लेकिन उस दिन आपके बटुए से, पर्स से, UPI से, बैंक से, कहीं से भी एक भी पैसा निकलना नहीं चाहिए। एंड दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग डे, वन डे ऑफ नो मनी स्पेंड। और व्रत रखते हैं ना, कुछ नहीं खाते, ये है फाइनेंशियल व्रत, ट्राई करके देखिएगा। नंबर 7, द क्रेडिट कार्ड ट्रैप चैलेंज। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हमें लगता है कि क्रेडिट कार्ड ना बड़ी ऑसम चीज है, एंड एक्चुअली है अगर आप उसको सही से यूज करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं हर महीने कायदे के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा का पूरा बिल जमा कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है। क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ती है, आपको 30-45 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिल जाता है, हर स्पेंड पे कुछ कहाँ कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बढ़िया। लेकिन बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को उस ढंग से यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब पैसा है, पर वो पैसा उनके पास है नहीं, तो वो चीजें खरीद लेंगे और फिर जब बिल आएगा उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देंगे ताकि क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट रहे, एंड उस बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। अब इसको एक्सपीरियंस करने का तरीका है ये चैलेंज। तो आप कोई भी एक परचेज ले लीजिए, एंड सिंपल परचेज से शुरू करते हैं। फर्ज करिए कि आप एक किंडल खरीदना चाहते हैं, 7,000 रुपए का किंडल है। आप अमेजोन पे जाते हैं, आप बोलते हैं क्रेडिट कार्ड 7,000 ले ले, तो क्या होगा? तो आप अपने 7,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकालकर एक अलग बैंक अकाउंट में रख देंगे, या अगर पैसे निकाल सकते हैं या किसी दोस्त पे अगर भरोसा है उसके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, तो ये पैसे जा चुके हैं। अब अगले महीने आप उसका सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करेंगे, जो कि यूजली 5% होता है, 10% ले लेते हैं, तो 700 रुपए आप पे कर देंगे। लेकिन वो जो बाकी के 6,300 रुपए बच गए ना, उसके ऊपर 3% ब्याज लगेगा, तो वो 3% आप अपने दोस्त को देंगे। फिर उसके बाद हर महीने वो मिनिमम अमाउंट ड्यू, एंड फिर और 3%, फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू, फिर और 3%, एंड इसके चलते यू विल एक्चुअली सी ओवर द नेक्स्ट 6 months कि आपका वो 7,000 रुपए का पहला क्रेडिट कार्ड परचेज बढ़ के कितना बड़ा हो चुका है, एंड यू विल बी शॉक्ड व्हेन यू सी दैट नंबर। वो नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट में बहुत कम लगेगा, लेकिन परसेंटेज अमाउंट में वो आपके 7,000 रुपए पे कम से कम 30-40% ऑड एड कर चुका होगा, एंड दैट इज द इंटरेस्ट यू पे फॉर एवरी क्रेडिट कार्ड परचेज। तो ये क्रेडिट कार्ड ट्रैप चैलेंज आपको इन रियल लाइफ वो अनुभव कराने की कोशिश है जो आपके साथ होने वाला है अगर आप क्रेडिट कार्ड के जंगल में फंस गए, जो मैं चाहूंगा तहे दिल से आपके साथ कभी ना। नंबर 8, अर्न अ डॉलर चैलेंज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है, इनफैक्ट ये मेरा सेकंड फेवरेट। इस चैलेंज में आपको $1, मतलब कि करीब 80-85 रुपए कमाने हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको 80-85 रुपए कमाने हैं। अब आप जैसे भी कमाएं, आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कुछ फ्रीलांस करके कमाना या कुछ बेच के कमाना, आप कुछ खरीद के
उसको वापस भी बेच सकते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन, लेकिन वो स्टॉक या ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो आप किताबें बेचना चाहते हैं प्लीज, कपड़े बेचना चाहते हैं प्लीज, अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, अपनी कला बेचना चाहते हैं, अपना नॉलेज बेचना चाहते हैं प्लीज, जो भी हो आपको 85 रुपीज कमाने हैं, बिकॉज दैट विल फॉर द फर्स्ट टाइम टेल यू द पावर ऑफ द इंटरनेट, कि घर बैठे बैठे जो आपको पता है एंड जो आपके पास एक्सेस है उसके थ्रू आप कितना कुछ कर सकते हैं। एंड एक डॉलर तो शुरुआत, लोग उस एक डॉलर को 10 बनाते हैं, 10 को 100 बनाते हैं, 100 को 1000 बनाते हैं, 1000 को 10000 बनाते हैं, एंड देन दे रिकॉग्नाइज दैट दिस कैन बी देयर एंटायर करियर और देयर लाइफ इफ दे वर टू बिल्ड अराउंड इट। आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। इस स्टूडियो में बैठकर मैं पूरी दुनिया के लोगों को कॉन्टेंट शेयर करता हूँ एंड कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, एंड दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। मेक दैट हैपन फॉर योरसेल्फ। नंबर 9, कट वन लग्जरी चैलेंज। एक ऐसा चैलेंज जहां आपको एक इंडल्जेंस आपकी कि आप रोज स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, या ब्लू टोकाई की, या थर्ड वेव की, या आप हर रोज वो एक फैंसी परफ्यूम लगाते हैं, या आप हर रोज फैंसी हेयर जेल लगाते हैं, या आप हर दो हफ्ते या हर महीने वो फैंसी टी शर्ट खरीदते हैं। There is something that you do, जो कि एक indulgence है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरत नहीं है, आपको शायद उससे अच्छा लगता है, उससे आपको खुद के लिए अहमियत दिखाई देती है, whatever the reason may be, लेकिन आपको अपनी जिंदगी से उस एक लग्जरी को 2 महीने के लिए हटाना हो, टू जस्ट मेक यू रियलाइज कि आप उस लग्जरी के बियॉन्ड एंड विदाउट भी जी सकते हैं, खुश रह सकते, दुनिया आपको तब भी कबूल करेगी, एक्सेप्ट करेगी, एंड दिस इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू कम बैक टू द बेसिक्स। कि हम अपने ऊपर ये भार डालते रहते हैं कि यार हमें वो जूते भी चाहिए, वो कपड़े भी चाहिए, वो गाड़ी भी चाहिए, वो बंगला भी चाहिए, वो शान भी चाहिए, वो शौकत भी चाहिए, लेकिन क्यों, उससे हो क्या रहा है? एंड ये एक 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 छोटी छोटी चीज हटाकर अगर हम इस चैलेंज में अपने आप को डुबो दें, देन वी रियलाइज कि हाँ ये हमारी जिंदगी में है लेकिन हमें इसकी आदत नहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना जी नहीं सकते। एंड दिस इज अ टेस्ट टू मेक दैट हैपन, कट वन लग्जरी चैलेंज। एंड फाइनली नंबर 10, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ ऑल, द फाइनेंशियल विजन बोर्ड चैलेंज। आप अपनी जिंदगी को आज देखिए, व्हाटएवर योर एज इज, एंड आप 3 सवाल पूछेंगे, अगले 3 सालों में कौन सा बड़ा परचेज मेरी जिंदगी में होने वाला है? वो एक गाड़ी हो सकती है, एक बाइक हो सकती है, मे बी एक फोन हो सकता है, मे बी एक वेकेशन हो सकती है, मे बी आपकी पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी। अगले 3 साल व्हाट इज वन बिग एक्सपेंस दैट विल कम इन। दूसरा सवाल, 3 से 10 सालों के बीच में कौन सा बड़ा एक्सपेंस आने वाला है? वो आपकी शादी हो सकती है, वो शायद घर का डाउन पेमेंट हो सकता है, या फिर से कोई वेकेशन हो सकती है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, व्हाटएवर द केस में भी। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन, 10 सालों बाद कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कौन सा बड़ा खर्चा होने वाला है? वो आपके बच्चों की शादी हो सकती है, अगर आपके बच्चे हैं एंड आप उनकी शादी का खर्चा देना चाहते हैं, वो अगेन घर की डाउन पेमेंट हो सकती है, आपकी रिटायरमेंट का खर्चा हो सकता है, कोई बड़ी वेकेशन करना चाहते हैं उसका हो सकता है, व्हाटएवर द रीजन, व्हाटएवर द केस। एंड देन यू विल फिगर कि अगर ये सारी चीजें 6% ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन से बढ़ती रहेंगी तो आज की डेट में मैं इन पे कितने पैसे खर्च करूं, एंड व्हाट विल दैट मीन व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में आप अपने लिए 10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन आप खरीदेंगे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उस 10 लाख की गाड़ी का कॉस्ट कितना होगा? तो हर साल वो 6% से अगर बढ़ेगा तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज वॉट यू विल नीड टू हिट दैट गोल, एंड यू देन हैव टू फिगर आउट हाउ डज योर लाइफ प्लान फॉर दैट। अगर ये सारे गोल्स आपके आप हिट करना चाहते हैं तो कैसे आप आज ही उनके लिए इन्वेस्ट करके वो हिट कर सकते हैं? अब वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, विच विल टेल यू हाउ टू प्लान फॉर ऑल योर फ्यूचर परचेजेस इन लाइफ एंड स्टिल हिट देम। बट द विजन बोर्ड एक्सरसाइज इज द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, कि अगले 3 साल, 3 से 10 साल और 10 साल के बियॉन्ड कौन से बड़े खर्चे होने वाले हैं,
उनकी आज कितनी वैल्यू होगी और उसके लिए आपको कितने पैसे उस समय चाहिए होंगे जिसकी प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ेगी। ये 10 के 10 चैलेंज अगर आप 2023 में ही खत्म कर देंगे, यू विल बी रेडी फॉर अ फाइनेंशियली ब्रिलियंट सक्सेसफुल सस्टेनेबल 2024। गुरु बारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।